हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओनली टॉक। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टॉप 4 MIUI 10 कंपेटेबल थीम्स। तो मैंने उसमें आप लोगों को चार ऐसे थीम्स के बारे में बताए थे जिसके लिए MIUI 10 के लिए वो पूरी तरह कंपेटेबल था, जिसमें हम लोग अगर उसे अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों की जो स्टेटस बार है वो भी चेंज हो जा रही थी। सारे कंपेटेबिलिटी MIUI 10 पे हम लोगों के वो सपोर्टेड थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस वीडियो का पार्ट 2। तो उसमें मैंने आप लोगों को चार थीम्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको दो थीम्स के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरह MIUI 10 पे कंपेटेबल है और थीम स्टोर पे भी अवेलेबल है लास्ट टाइम की तरह। उसकी लिंक भी मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरी उस वाली जो वीडियो है मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डाल दूंगा, आई बटन पर डाल दूंगा, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, और आप लोग अपने डिवाइस में उसका मज़ा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बकवास बंद करके शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 में जो सबसे पहला थीम आता है वो ये आता है, ब्लैकनेस। तो मैं इसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मैं इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसे डाउनलोड पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा जो पहले हम लोग को देखने को मिलती थी, कंपेटेबिलिटी इशू। तो उस टाइप की जो एरर हम लोग को देखने को मिल रही थी, इसमें देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों, ये थीम जो हम लोग अप्लाई हो चुका है, तो आप देख सकते हैं अप्लाई होने के बाद हम लोग को एक वॉलपेपर देखने को मिल रहा है कैंडल का। ये एक पूरा ब्लैक थीम है, अगर आप लोगों को ब्लैक थीम पसंद है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बार इस बार भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार हम लोग का पूरी तरह चेंज हो चुका है। हम लोग चाहें तो इसमें और भी टाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग का है, हम लोग किसी भी टाइल्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल लोन पे हूँ, तो ग्लोबल स्टेबल लोन पे बहुत से फीचर्स जो है अवेलेबल नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो क्विक सेटिंग टाइल जो टाइल्स है क्विक टाइल्स है वो भी सपोर्ट इसमें नहीं है। तो लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद भी जो सारे फीचर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको लॉक स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग का कैलेंडर दिया हुआ है, आज का डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और ये आज कौन सा दिन है, मंडे है, उसका दिखा रहा है। और यहाँ पे हम लोग का कैमरा का आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ पे वो है असिस्टेंट का, हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे स्वाइप अप करने से हम लोग का लॉक खुल जाएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग आइकॉन दिया हुआ है, यहाँ पर जो आइकॉन दिया हुआ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर ये वाईफाई का सिग्नल है। बगल में आप बैटरी की बाहर देख सकते हैं कि बैटरी हम लोग के डिवाइस में कितने परसेंटेज है। डायल पैड में मैं जाकर दिखा देता हूँ, तो डायल पैड में देखते हैं आप, डायल पैड में आप देख सकते हैं कि डायल पैड भी जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है हम लोगों की। मैसेज में भी देख सकते हैं कि मैसेज भी जो है काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका आइकॉन भी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर हम लोग का क्विक सेटिंग पैनल भी चेंज हो चुका है। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे दूसरे थीम्स की। तो दूसरे थीम्स के लिए मैं जाता हूँ थीम स्टोर पर, वैसे ही मैं इस थीम को डाउनलोड करता हूँ। ये दूसरा थीम है, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करके आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई भी एरर नहीं आया कंपेटेबिलिटी इशू का, मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी के लिए ये थीम जो मेरा है फेवरेट थीम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थीम जो है अप्लाई हो चुकी है, और स्क्रीन पर जो वॉलपेपर आपको देखने को मिल रही है वो एक लाइव वॉलपेपर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं अपने फ़ोन को टिल्ट कर रहा हूँ तो वो वॉलपेपर भी आपको लाइव चल रहा है। और जो आप आइकॉन देख सकते हैं, आइकॉन जो है पूरी तरह चेंज हो चुका है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैं आपको डायल पैड में दिखा देता हूँ। तो डायल पैड में आप देख सकते हैं, जो डायल पैड मुझे इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आर्मर टाइप का यहाँ पे फिनिश दिया हुआ बैकग्राउंड में इसके। अगर आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, कैमरा में ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, क्विक सेटिंग पैनल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी तरह चेंज हो चुका है, जैसा कि हम लोग को MIUI 9 पर देखने को मिलती थी। बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वैसा ही थीम ढूंढ कर लाया हूँ। तो दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। और दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बैटरी की जो आइकॉन है वो चेंज तो नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा जितने भी आइकॉन है, नेटवर्क बार की आइकॉन देख सकते हैं, वो चेंज हो चुकी है पूरी तरह। मैं आपको लॉक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो लॉक स्क्रीन पर आप इस तरह के वॉलपेपर हम लोग को देखने को मिलती है, और यहाँ पर हम लोग का टाइम दिया हुआ है, कैलेंडर है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट स्वाइप करने से हम लोग को जो नॉर्मल स्क्रीन देखने को मिलती है वो देखने को मिल रहा है। राइट करने से हम लोग का कैमरा जो है ओपन हो जाएगा, स्वाइप अप करने से हम लोग का फ़ोन का जो लॉक है वो ओपन हो जाएगा। तो फिर से सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह ब्लैक वॉलपेपर है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लैक थीम पसंद है तो आप लोगों को ये थीम पसंद आएगी। बाकी वॉलपेपर के लिए हम लोग कोई सा भी ब्लैक, अगर आप चाहें तो ब्लैक वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अगर आप लोग चाहेंगे इसे कस्टमाइज़ करना, तो हम लोग जाएंगे थीम में, कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पर, और हम लोग जैसा कि
चेंज करना, आइकॉन हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ से किसी कोई सा भी आइकॉन चूज़ कर लेते हैं। मान लिया मैंने इस आइकॉन को चूज़ कर लिया है, उसके बाद से हम लोग को वॉलपेपर चेंज करना है अगर, तो हम लोग वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आइकॉन को चेंज किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइकॉन जो चेंज हो चुका है यहाँ पर, और आप चाहें तो वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्विक सेटिंग पैनल तो पहले से चेंज है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दो थीम्स के बारे में बताया है। दोस्तों आने वाले और भी वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही थीम्स को ढूंढ ढूंढ के लाने वाला हूं। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर जो एक व्यूज़ है थोड़ी सी कम आ रही है, तो हमारे चैनल पर 3000 की फैमिली मेम्बर होने वाली है, तो कम से कम उसके हिसाब से कम 50% भी अगर हम लोग वीडियो पर अगर व्यूज़ आती है तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर 50% नहीं होता है तो कम से कम 40% तो व्यूज़ आप लोग ला ही सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो इनक्रेडिबल है। तो मैं ये मेरा आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा थीम लग रहा है, ये तो काफ़ी पसंद आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये थीम आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है दोस्तों इसी बात पर एक लाइक बन जाए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब वाले बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसी पे दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने दो थीम आप लोगों को बता दिया है, आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए और भी MIUI 10 पे कंफर्टेबल थीम लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। Find a light in your soul, I'll be there.